नगर के वरिष्ठ समाज सेवी कथावाचक व कांग्रेस नेता के मिश्रा को स्थानीय प्रकाश चौक में नगरवासियों ने याद करते हुए शोक श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। गौरतलब है कि समाज सेवी के मिश्रा का आकस्मिक निधन बीते 2 अप्रैल को बिलासपुर में हो गया था। वैकुंठवासी के मिश्रा अपने जीवन काल में विविध समाज सेवी कार्यों से जुड़कर लोगों की मदद करते रहे, वहीं सामाजिक कार्यों में वह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित कर वह नए नए आयामों के लिए अपना मार्गदर्शन प्रदान करते थे। उनके निधन के पश्चात पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। लोगों ने उन्हें नमन कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानवती सिंह, संजीव खंडेलवाल, गोपाल अग्रवाल, प्रमोद उपाध्याय, राजेंद्र सिंह, विद्यादर्शन बासवानी, अजय शिवहरे, प्रकाश पालीवाल, जानकी मिश्रा, राजदास संदीप अग्रवाल, पवन संभर, कैलाश गौतम, लक्ष्मण कुशवाहा, सुदामा विश्वकर्मा, प्रदीप सोनी, चिंटू बहादुर सिंह, भारतेंदु सिंह, अमृतलाल विश्वकर्मा, नारायण पांडे, व्यापारी संघ अध्यक्ष विमल अग्रवाल, मोंटू जैन, प्रदीप शुक्ला सहित नगर के अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने नम आँखों से के भैया को श्रद्धांजलि दी और मेरे तो आदर्श थे, मेरे गुरु थे और मेरे बड़े भाई बड़े पिताजी के तुल्य रहे हैं। और मुझे उन्होंने उंगली पकड़ के राजनैतिक क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाए। सामाजिक हो राजनैतिक हो, हर जगह मैं उनके पीछे चलती थी। कुछ भी पूछना होता था, मार्गदर्शन लेना होता था तो भैया बड़ा सहज सरलता से मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करते थे। और मुझे लगता ही नहीं था कि मैं ममान में हूँ या पाली में हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं ममान में ही हूँ। मेरे पिता तुल्य और बड़े भाई साहब जैसे रहे हैं। उनके जाने से मुझे क्या, उनके परिवार को क्या, पूरे शहर को शोकाकुल में डूबे हैं और क्षति हुई है, उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकते हैं। परिवार का जीवन पर्यंत आभारी रहूंगी और साथ ही मेरे पूरा परिवार आभारी रहेगा। ओम शांति। आज हम सब मेरे भाई जैसे सखा वैकुंठवासी के मिश्रा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर प्रकाश चौराहे में एकत्र हुए हैं। आज भी राष्ट्रीय सेवा समिति ने यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। के भाई का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है और पूरे शहर के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। उनके जैसा निश्चल व्यक्तित्व मिलना मुश्किल है और उनकी शवयात्रा में उबड़ा जनसैलाब इसका प्रतीक है। वो अपने कालरी क्षेत्र में और शहर में भी जिस तरह से लोगों को एका करके चलते थे, ऐसे लोग बिरले मिलते हैं। और मैंने देखा है, लगभग मेरी प्रतिदिन उनसे बात मुलाकात होती थी, आखिरी क्षण भी बराबर वो संपर्क में रहे हैं, लेकिन ऐसी क्षति हम लोगों को होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं परमपिता परमात्मा से यही विनय करता हूँ कि अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पूरे परिवार को ऐसे दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे, संबल प्रदान करे कि वो इसको दुख को सह सकें। और उनका स्नेह आशीर्वाद और प्रेम जिस तरह से सब पर बना रहा है, वैसे ही बना रहे। ओम शांति। बीर सिंह कुरपाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।